अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल अगर एक औरत स्मोकिंग करती है, सिगरेट पीती है, यहाँ पर मैं सिर्फ सिगरेट को ही मेंशन नहीं करूंगी बल्कि उसके साथ मैं हुक्के को भी करूंगी, क्योंकि बहुत से जो हमारे पेरिफेरीज हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पे औरतें जो है बहुत ज्यादा दौरान हमल हुक्का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर बीड़ा और मिसवाक का भी मैं लाजमी जिक्र करूंगी। ये जो तमाम चीजें हैं जिसपे स्पेशली स्मोकिंग और हुक्का है, इसके अंदर तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ डेंजरस केमिकल्स हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं हामला औरत के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। अब जो सबसे पहले जो स्मोकिंग के अंदर जितने कंटेंट्स हैं वो आवर को क्रॉस करते हैं, ये आपने जहन में रखना है कि जो भी कंटेंट स्मोकिंग में है वो माँ से बच्चे में मुंतकिल हो रहे हैं। अब स्मोकिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव स्मोकिंग क्या है कि जी जो फीमेल है वो खुद डायरेक्ट सिगरेट पी रही है या वो हुक्का पी रही है या वो निस्वार या बीड़ा रख रही है। अब पैसिव ये है कि अगर साथ कोई उनका पार्टनर है, जैसे हस्बैंड है, वो बंद गाड़ी में है या कमरे में है और वो स्मोक कर रहे हैं, उसका धुआं फीमेल को जा रहा है, तो पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही डेंजरस है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग, बल्कि पैसिव ज़्यादा डेंजरस है। तो क्योंकि पेनिट्रेट कर जाती है ऑटोमेटिकली मदर के लंग्स में, उसके ब्लड में और वहाँ से क्रॉस होके बच्चे में। अब बच्चे में क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं हुक्का और सिगरेट से, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्मॉल फॉर डेट, यानी कि बच्चा कमज़ोर होगा क्योंकि उसके जो डेंजरस केमिकल है वो बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और उसके साइज को नहीं बढ़ा सकती। उसके साथ बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा जो है तेज होने की वजह से अगर दौरान हमल कोई और कॉम्प्लिकेशन है, लाइक पानी की कमी है या कोई ब्रीडिंग वगैरह है, ऊपर से बच्चे की फीटल हार्ट भी तेज है स्मोकिंग की वजह से, तो बच्चे की जो है वो डेथ हो सकती है, आईयूडी हो सकते हैं बच्चे। और इवन कि ये देखा गया है कि जो प्री टर्म बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, प्री टर्म लेबर जल्दी दर्दें लग जाती हैं, और अगर बच्चा पूरी मुद्दत का भी पैदा होता है तो फिर वो स्मॉल फॉर डेट होता है, यानी कि वो कमज़ोर होता है नॉर्मल बच्चों की निस्बत या उन औरतों की निस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करती और बच्चे को पैदाइश देती हैं, तो वो बच्चे अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू वो मदर्स जो कि नशा करती हैं स्मोकिंग या हुक्का वगैरह। उसके अलावा जो है स्टिल बर्थ देखा गया है कि दौरान पैदाइश बच्चे की डेथ हो जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके अलावा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है, फिर जो है बच्चे के अंदर देखा गया है स्पेशली जो फर्स्ट 6 मंथ हैं या इवन जो फर्स्ट 40 डेज हैं उसमें ब्रोंकाइटिस नमूनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारी चेस्ट इन्फेक्शन और चाइल्डहुड एस्थमा यानी कि दमे का मसला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा पहले ही सफ़र कर रहा होता है माँ के पेट में, जब वो बाहर भी निकलता है तो वो जो एजेंट्स हैं जो कि डैमेज कर चुके हैं वो बच्चे को आने वाली ज़िंदगी पर भी उसके असरअंदाज होते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है स्मोकिंग आप छोड़ दें। ख़वातीन जो है बात वक्त मेरे पास 8-9 महीने आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब अगर मैं अब स्मोकिंग छोड़ दूँ, आप किसी टाइम भी अगर स्मोकिंग छोड़ देंगे तो वो अच्छी चीज़ है। स्मोकिंग जो है जिस टाइम वो कट ऑफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास भी नहीं जाएगी, बच्चा ग्रोथ भी कर सकता है। अब जो है ये तो बच्चे के मसाइल हो गए, माँ को खुद भी ब्रोंकाइटिस है, नमूनिया है, दमा है, एस्थमा है, ऐसे मसाइल हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता लंग कैंसर जैसे मसाइल भी देखे गए हैं। इसलिए फीमेल को चाहिए, वैसे तो सबको चाहिए, मेल्स और फीमेल्स को, कि स्मोकिंग ना करें, ये ओरल कैंसर कॉज करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, साथ में छोटे मोटे मसलन नमूनिया, ब्रोंकाइटिस जो कि शुरू में तो छोटे होते हैं बाद में जाकर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, एस्थमा हो जाता है, ये बहुत डेंजरस मसाइल हैं, तो इनसे आप अवॉइड करें। और जितनी भी एडिक्शन है वो अच्छी नहीं है। इसलिए जो है हमारे पास मेरे पास बहुत सी फीमेल रिपोर्ट होती हैं कि जी सांस का मसला है, जब मैं उसे हिस्ट्री लेती हूँ तो वो कहते हैं कि हम हल्की फुल्की स्मोकिंग कर लेते हैं या जी मैं हुक्का पी लेती हूँ, तो जो टोबैको है ये बहुत डेंजरस है बच्चे के लिए, बहुत डेंजरस है और नो डाउट माँ के लिए तो है ही है। इसलिए जो है अगर जो है फीमेल खुद नहीं पीती, मतलब स्मोकिंग नहीं करती या हुक्का नहीं लेती, तो जो उसके पार्टनर को चाहिए कि वो छत पे जा के या घर से बाहर जाकर वो स्मोक करे या वो हुक्का किसी दूसरे कमरे में यूज़ करे, ताकि फीमेल उसको डायरेक्ट इनहेल ना करे, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो। नो डाउट जो
ये हमल है, ये 9 माह का एक लंबा सफर है और माँ के लिए पेनफुल होता है। अगर इसका एंड रिजल्ट अच्छा ना हो तो माँ ऑटोमेटिकली बहुत जो है पेन में होती है और उसको बहुत अफसोस भी होता है कि मैंने इतना पेन भी उठाया, मुझे हेल्दी बच्चा भी नहीं मिला। तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं फीमेल खुद भी होती हैं और उनके घर वाले भी होते हैं। इसलिए आप स्मोकिंग और हुक्के से अवॉइड करें ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।